अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, जोधपुर के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज रमज़ान भाई का शौक़ देखेंगे। वो यहाँ पर बकरों का शौक़ करते हैं। ये वाले लॉट में बकरे फॉर सेल नहीं हैं, लेकिन हम पलाई के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ पर्सनल बकरे हैं वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद इनका एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ फ़ीमेल्स फॉर सेल है, वो आपको मालूम पड़ेंगी। सो आइए रमज़ान भाई से हम बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रमज़ान भाई? शुक्र अल्लाह का। रमज़ान भाई, अपना जो ये गांव है और ये जो फार्म है, ये जोधपुर से कितनी दूर है? जोधपुर से ये करीब 60-65 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। अपने इधर ट्रेन से भी आ सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है जी, और बस का भी ऑप्शन है। अपने इधर 2 किलोमीटर पर बस आती है। कापड़ा? नहीं, ये रिया गांव पे। रिया गांव से सीधे पिपाड़, और पिपाड़ के बीच में रिया पड़ता है। अच्छा अच्छा, पिपाड़ से काफ़ी करीब है मतलब ये। जी जी। आपके पास कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं इधर? अपने पास अभी बकरियों में सोजत है जी, बकरियों में सारी ब्रीड सोजत ही है अपने पास जी, और बकरे भी सोजत में ही है जी। और ये जो बकरा देख रहे हैं हम लोग, ये आपका है कि पलाई पे? ये अभी एक अपने है, बॉम्बे के है बंदे, उनका है, पलाई पे छोड़ रखा अपने फार्म पे। अच्छा, ये वाला बकरा है, ये वाला बकरा है, ये भी पलाई पे है। वो दिखाएंगे, वो हैदराबादी क्रॉस है ना? ये हैदराबादी क्रॉस सोजत है, एकदम गुलाबी है, वाइट आईज, और वाइट आईज है, बिल्कुल वाइट आईज है इसकी। लंबे कान है, कान भी माशाल्लाह है, और नाक का शेप भी अच्छा है बहुत। सो ये कैसे पॉसिबल होता है, मतलब हैदराबादी बकरों का रिजल्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर? जी, सोजत और हैदराबादी का रिजल्ट बहुत अच्छा है जी, बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला आपके मतलब आपने शौक के लिए रखा हुआ है जी? ये ब्रीडिंग के लाइक का बकरा है। अच्छा, बट हमारे इधर किसी ने पलाई पे छोड़ रखा है। अच्छा, ब्रीडर तैयार करेंगे इसको। ओके, मतलब ये भी पलाई पे। हाँ, सो आप पलाई पे कितने पैसे लेते हैं भाई? जी, मैं बकरों का 1600 रुपये लेता हूँ जी, और फीमेल का मैं 1100-1200 रुपये लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी बड़ी फीमेल है तो फिर उसमें है, और छोटी है तो 1000-1100 रुपये जी। मतलब तो जैसा मान लो, और जैसे बच्चा हो जाता है उनका, तो बच्चे के 3 महीने तक मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अच्छा, मतलब मान लो आज बच्चा हुआ तो 3 महीने तक उसका कोई चार्ज नहीं, 3 महीने बाद उसका 1000 रुपये चार्ज है। अगर मेल है तो 1000-1000 रुपये चार्ज है, और फीमेल है तो 800 रुपये चार्ज है। ठीक है ठीक है, देख सकते हैं क्वालिटी फ्रेंड्स। ऐसे बकरे किसी को चाहिए तो आप दिलवा देंगे यहाँ से? जी, मैं अवेलेबल करवा दूंगा ऐसे बकरे मेरे पास। एक अंदाजन कितने तक मिलता है ऐसा बच्चा? ये बकरा, ऐसा बकरा मैं 15-16 हज़ार में दिलवा दूंगा। 15-16 हज़ार क्वालिटी में, फुल क्वालिटी में, ऐसी क्वालिटी में। कितना छोटा बच्चा होगा वो? वो 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने का, 30-35 किलो वजन। ठीक है, तो वो मिल जाएगा 15,000। ठीक है, लोग आपको फ़ोन कर लेंगे अगर आपकी नज़र में ऐसे बच्चे, तो अभी से आप देख के रखें जी, क्योंकि लोग वीडियो वगैरह मांगेंगे आपसे, उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा इनका सेटअप है, देख लीजिए, बहुत बड़ी जगह है, पीछे की भी पूरी जगह इन्हीं की है। सो यहाँ पर ये पलाई, अगर किसी को ज़्यादा बकरे भी रखने तो रख सकता है, आप बात कर सकते हैं इनसे, ये अलग से शेड बना के भी दे देंगे आपको। आपका एक बार नंबर बताएं रमज़ान भाई। मेरा नंबर है 9742827227। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि लोग आपको कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है, इसमें से कोई बकरी गाबन है अभी? इसमें ये गाबन है जी, ये भी गाबन है, और एक वो बैठी है जो ये गाबन है जी। ये सोजत की जो है, ये पार्ट है, पहली बार गाबिन हुई है, पहली बार गाबिन हुई है। तो आपने कौन सा बकरा लगाया है इसके लिए? सारी के ऊपर हैदराबादी, सारी के ऊपर हैदराबादी, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आने का आपको। और सोजत का मसाला जो है जोधपुर में बहुत चल रहा है ना अभी, है और मांग भी है बिल्कुल, बहुत से बंदे हैं जो हैदराबादी बहुत ज़्यादा मांगे। क्या होता है, लंबे कान आ जाते हैं, सफ़ेद आँख आ जाती है? लंबे कान आ जाते हैं, सफ़ेद आँख आ जाती है। उसके अलावा मतलब हैदराबादी और सोजत का जो मेल है, उसमें सोजत के हिसाब से वो बनते खूब है, बनते खूब बड़े खूब होते हाइट वगैरह, और हैदराबादी किसी वहाँ और कान आ जाते हैं। हाँ, आँख और कान आ जाते हैं, और मतलब गुलाबीपन आ जाता है। उसके अलावा बनते बहुत अच्छे हैं जी, सबसे बड़ी बात वो मतलब बनते, उनका वेट बनता है, हाइट बनती है, लंबाई बनती है, सब कुछ बनता है। आपको फ़ोन करने का कुछ टाइमिंग है कि कभी भी कर सकते हो? नहीं, ऐसा है कि शाम को 10 बजे से पहले पहले, सुबह 9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद, मतलब सुबह में 9 से रात के 10 बजे तक कभी भी लोग आपको फ़ोन, व्हाट्सअप चल रहा है आपका ये नंबर? व्हाट्सअप इसी नंबर पे चल रहा है। ठीक है, सो अगर लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको वीडियो वगैरह भेज देना जो भी फॉर सेल आएगा। ये तो ये नहीं बेचेंगे ज़्यादातर पलाई के इसमें, और शौक वाले हैं, पर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जैसा बता रहे भाई,
और भी सोजत के बकरे मिल जाएंगे ना आपके पास? हाँ, अभी ये बकरा जो है जी, ये बकरा मेरा सेल के लिए अभी जी, ये अराउंड 70 kg का बकरा है। अच्छा, ये दो दांत पे है, ये मेरे को सेल करने का। तो ये कितने में सेल करने का आपका? ये मैं फाइनली अगर कोई बंदा लेने वाला हो तो 20,000 में दूंगा। अच्छा, मतलब अगर इसके लिए कोई फोन करे तो भाव ताव ना करे, राइट? नहीं, 20,000 में। 20,000 ये मेरा फाइनल प्राइस है, 20,000 में ये बकरा मैं दे दूंगा। अच्छा बकरा है माशाल्लाह, दो ही दांत पे इतना वेट गेन किया इसने। इसको थोड़ा आगे धक्का देंगे। हाँ, ये तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 20,000 रुपये मांग रहे हैं। माशाल्लाह बकरा भी खूबसूरत है, अच्छा बकरा है। पर ये फाइनल रेट है, तो आप फोन करके इनसे मतलब यू नो कम नेगोशिएट ना करें। बड़े बकरे भी मेरे पास अवेलेबल है, 80-90 के मेरे पास मिल जाएंगे। अगर कोई 100+ का बकरा लेना चाहे तो भी मैं दिला दूँगा। तो भी आप दिला दोगे? हाँ, मेरे पास हो जाएंगे। तो आप दूसरी जगह से दिलाएंगे? हाँ, मेरे दोस्त लोग हैं, उनके पास भी है। तो आप दिलाने का कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे? मैं हमारे इधर का जो रूल है, हम 50 kg+ का बकरा है तो हम 500 रुपये लेते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहे जी तो हम उसको साथ घुमा के दिला देंगे। अपने फार्म पे जो चीज अवेलेबल होगी, अगर जो आप घुमाओगे तो घुमाने का कुछ पैसा? नहीं, घुमाने का कुछ नहीं है, बट अगर उसको माल दिलाया, उसको 10 बकरे पसंद आए दिए, तो फिर वो 50 किलो से मतलब कम वेट के बकरे हैं, हाँ, तो हम 500 रुपये चार्ज करते हैं। हाँ, और 50 के ऊपर के बकरे हैं तो हम 1,000 रुपये चार्ज करते हैं। 1,000 रुपये चार्ज करते। अब अगला बंदा क्वान्टिटी में माल ले रहा है तो फिर वो 100 नग ले रहा है तो अलग बात है, वो अलग बात है, उसमें कम कर देंगे। ठीक है, जैसा वो चाहे वैसा कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आप लोग रमज़ान भाई से बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे बकरे दिला देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का कैसा रहेगा यहाँ से? ट्रेन से है और गाड़ियों से भी है, जो देवनार वगैरह कट्टू माल आता है जी, उनसे है। ट्रांसपोर्टेशन को कोई दिक्कत नहीं है, सप्ते में 3-4 गाड़ी जाती है यहाँ से। अच्छा, गाड़ियों में माल बड़े बड़े है, फीमेल है, गाड़ियों में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा बकरा कितने तक मिलेगा? ऐसा बकरा आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा 30 के अंदर अंदर। अच्छा, मतलब 25 से 30 के बीच में। 25 से 30। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का बकरा है ये भी। ये भी करीब जी 60+ का बकरा है। 60+ का। ठीक है, शुक्रिया रमज़ान भाई बहुत बहुत। अभी हम लोग वहाँ चल के दूसरा वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।